दोस्तों नमस्कार। आज हम बछड़ा बछड़ी का पालन जो है उस कैसे करते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बछड़ा बछड़ी पालन में जो है जब गाय गर्भवती रहती है तो गर्भ के समय जो फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द काऊ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर केयर ऑफ काफ एंड काऊ एट बर्थ, फिर काविंग पेन साइन ऑफ अप्रोचिंग पार्चुरीशन मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर काविंग, अटेंडिंग टू द न्यू बॉर्न काफ, कोलोस्ट्रम फीडिंग, टाइम ऑफ फीडिंग ऑफ कोलोस्ट्रम। तो ये सारे 8 तरीके होते हैं। इनमें से हम आज अटेंडिंग टू द न्यू बॉर्न काफ, जैसे ही काफ पैदा होता है तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, तो जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूकस मेम्ब्रेन, हम जो भी म्यूकस लगा हुआ होता है बछड़े पर उसको हम हटाते हैं। आपके पैदा होते ही तुरंत गाय के आगे बछड़े को रखा जाता है और उसको चाटने के लिए अलाउ करते हैं, जिससे कि गाय के चाटने से जीभ के द्वारा काफ के शरीर पर मसाज होता है और काफ जो है ड्राई होता है, सूख जाता है। इससे जो है काफ में सर्कुलेशन और श्वसन के लिए स्टिमुलेट करती है गाय। यदि प्रसव पीड़ा के कारण गाय इस स्थिति में नहीं है कि काफ को लिकिंग कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर पेन के कारण एग्जास्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पशुपालक को जो है साफ काटन कपड़े की सहायता से उसको ड्राई करना चाहिए और म्यूकस मेम्ब्रेन को साफ करना चाहिए, जिससे कि और हैवी मसाज करना चाहिए जिससे कि उसमें जो है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन जो है स्टिमुलेट हो सके और वह सांस ले सके, उसका श्वसन शुरू हो सके। कभी कभी नास्टिल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन भरा रहता है तो जो है वह सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाती है, तो नास्टिल से म्यूकस मेम्ब्रेन को हम साफ करते हैं। अगर साफ करने से भी सांस उसकी श्वसन नहीं शुरू होती है तो हम काफ को हाक जॉइंट से, पिछले पैरों के हाक जॉइंट से पकड़कर उसको हम स्विंग करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन को नास्टिल से बाहर आ जाता है। और यदि इस तरीके से भी श्वसन जो है नहीं, सांस नहीं ले पाता है, विफल हो जाते हैं, तो हम मुख से तेज़ी से फूंक मारकर सांस के उसको सांस लेने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी समय हम सीने को दबाते हैं और छोड़ते हैं। ऐसा हम बार बार करते हैं जिससे कि उसमें श्वसन उत्पन्न हो जाए, और जैसे ही श्वसन मिल हो जाता है तो फिर हम वो काफ सही हो जाता है। और अगर यदि ठंडे क्षेत्र जैसे कि विशेषतः नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पे मौसम ठंडी के दिनों में मौसम काफ़ी सर्द रहता है, तो वहाँ पे गर्माहट के लिए भी हमें विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उसको जब काविंग होती है तो उसको ठंड से भी हम बचा सकें, और ब्रीडिंग की व्यवस्था और उसको जो है एक प्रोटेक्टेड पेन में रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा अगर हम करते हैं तो हम अपने जो काफ न्यू बॉर्न काफ है उसकी हम अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। और नाड़ा, जो नाड़ा निकलता है उसको हमको काटना होता है, तो इसको भी काटने के लिए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन है, क्योंकि संक्रमण यही नाड़े से ही प्रवेश करता है और यह सीरियस बीमारी को जन्म देता है, जैसे नावेल इल, जॉइंट इल, जो कि कारण बनता है काफ के मृत्यु का। काफ के नाड़े को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेंट करना चाहिए, बीटाडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन या टिंचर बेंजोइन। यदि नाड़ा टूटा नहीं हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर जड़ से उसको जो है दूरी से उसको धागे से, स्टरलाइज धागे से बांधकर उसको स्टरलाइज कैंची या ब्लेड, साफ़ सुथरी ब्लेड से काटना चाहिए और वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन को पेंट करना चाहिए।
और वहाँ पर मक्खी और कुत्तों से चूँकि बचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।